अधिकारी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कटारा अजीज के सरपंच प्रतिनिधि भगवान सहाय गुर्जर ने बालघाट थाना अधिकारी अभिजीत कुमार पर उन्हें धमकाकर बंद करने के आरोप लगाए हैं। सरपंच प्रतिनिधि भगवान सहाय गुर्जर ने बताया कि एक मुकदमे के संदर्भ में राजीनामा के प्रकरण को लेकर वह सोमवार को बालघाट थाने पर गए थे, जहां उन्होंने बालघाट थानाधिकारी से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर राजीनामा करवाने की बात रखी। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि थानाधिकारी अभिजीत कुमार ने उनसे कहा कि इस मामले में विधायक का हस्तक्षेप है, तो मैंने तुरंत विधायक से दूरभाष पर थानाधिकारी की बात करवाई। उन्होंने बताया कि मामले में विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं था। विधायक का फोन कटने के बाद थानाधिकारी द्वारा उसे धमकाया गया, ज़्यादा नेतागिरी करने की कोशिश की तो अंतर बंद कर दूंगा। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि जब बालघाट थानाधिकारी मुझे बेवजह अंतर बंद करने की धमकी दे सकता है, तो उसका आम लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि पुलिस दोनों पक्षों को राजीनामा करने में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच प्रतिनिधि के आरोप पर बालघाट थानाधिकारी अभिजीत कुमार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पहले आप अपना नाम और पद बताएंगे। मेरा नाम भगवान सहाय गुर्जर, घाटरा सेठपुर, ग्राम पंचायत कटारा जी, सरपंच जनप्रतिनिधि। हाँ जी सरपंच साहब, ये बताइए जो बालघाट थानाधिकारी के साथ में आपकी क्या बातचीत हुई थी, क्या प्रकरण था पूरा? मेरी ग्राम पंचायत में एक केस चल रहा है, 6 महीना पुराना है और वो लंबित है। बालघाट थाना अधिकारी ना तो उसकी कोई सुनवाई कर रहा है, ना ही उसकी कुछ और कर रहा है, ना मैंने ये भी बोला था कि दोनों पार्टी में बैठा के राजीनामा करा दिया जाए। बिल्कुल, उस पार्टी को अवलोलन करके उसको जो केस है उसको हटाने की बोल रहा है और उस पार्टी से पैसा लूट रहा है, दोनों पार्टियों से पैसा लूट रहा है। और मतलब ये आपने राजीनामे का, देखो आप जनप्रतिनिधि हो, राजीनामे लोगों के बीच में होने चाहिए, आपसी विवाद है उनका, आपने राजीनामे के लिए कहा, तो मतलब इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? राजीनामा की बात दोनों पार्टियों को उन्होंने बुलाया था और राजीनामा की बात आई तो ये कहा था कि तुम दोनों लोग आपस में लड़ लो, जब कोई आपका फैसला हो जाए तब हमको बता देना। यानी पुलिस ने सहयोग नहीं किया राजीनामे में, ये आप मैंने कह रहा था, अब मैंने